आपने अभी तक TMD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TMT न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। तपिश बने के साथ साथ खजुराहो संसदीय क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी भी बने लगी है। खजुराहो से कांग्रेस ने खजुराहो नगर परिषद की अध्यक्ष और राजनगर के कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नातीराजा की पत्नी कविता सिंह को चुनावी समर में उतारा है। पूर्व छतरपुर राज परिवार की महारानी कविता सिंह पन्ना जिले की बेटी है। क्षेत्रीय प्रत्याशी कविता सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मुरैना जिले के निवासी विष्णु दत्त शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। विष्णु दत्त शर्मा के बाहरी होने के मुद्दे पर कुछ समय पूर्व तक उनके खिलाफ उठ रहे विरोध व के स्वरों के बीच पन्ना राजघराने की महारानी जीतेश्वरी देवी उनके समर्थन में खुलकर आ गई है, जिसके चलते भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी के बीच तो चुनावी मुकाबला है ही, लेकिन महारानी के खिलाफ महारानी के सामने आने से सियासी पारा चढ़ गया है। ये प्रश्न का जवाब तो हम दे चुके हैं, बट इस प्रश्न का जवाब दोबारा दे देते हैं। पार्टी वर्सेस पार्टी। महाराज साहब का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, बच्चे छोटे थे, समय नहीं था। मतलब पार्टी में तो हम काफ़ी सालों से हैं और अभी 3 साल से सक्रिय हैं, एकदम से तो आए नहीं हैं। जो भी सांसद बनेगा उसको सांसद भवन में बैठना और जो भी सांसद बनेगा उसको संविधान का ज्ञान होना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे है। अगर कांग्रेस नहीं, ये गलती कांग्रेस की, अगर कांग्रेस विभाजन नहीं करती बुंदेलखंड का और बार बार कांग्रेस ये सब नहीं करती तो दिक्कत नहीं जाती। 8 साल में रिकॉर्डों की गलतियों की वजह से है, जो कांग्रेस के समय में गायब कर लिए गए। बुंदेलखंड ही नहीं, पन्ना जिले की खदानें जो है वो केवल और केवल यहाँ के नागरिकों को पहली प्राथमिकता मिलेगी, उसके रेवेन्यू में बाद में सबको मिलेगी। ये दिग्विजय सिंह जी द्वारा किया गया था और ओबेरॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज को उन्होंने अजयगढ़ जो डिफेंस लैंड है वो किराए से दिया। ये एक राष्ट्र मुद्दा है। और जो राजगढ़ का किला है वो भी उनने प्राइवेट कंपनीज को दिया, यहाँ के सारे रिकॉर्ड गायब रहे। तो ये जो सारी गलतियां होती जा रही है कांग्रेस के समय से और भाजपा इसको सुधारने की लगातार प्रयास होगा। जब कांग्रेस लगातार परिसीमन कर रही है, कभी जिले को उधर उठा के फेंक रही है, कभी जिले को उधर उठा के फेंक रही है, कभी हम सतना में, कभी हम दमों में है, कभी हम पन्ना दमों में, कभी हम खजुराहो में है, एक जगह तो हमको टिकने ही नहीं दिया जा रहा। देखिए, कठिन परिश्रम से सब कोई जीतेगा। उन्होंने BJP को समर्थन किया है, ये उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है और मैं कांग्रेस की हूँ, मैं कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ, मैं कांग्रेस के लिए काम कर रही हूँ। वो अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के साथ नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे मेरे चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा।